फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आप सभी जानते हैं तांबे के बर्तन में खाने पीने से बहुत सारे फायदे हैं और जो हमारे बहुत सारी बीमारियों से भी हमको दूर रखते हैं। लेकिन आप हम ये भी जानते हैं कि तांबे के बर्तन में समय के साथ में एक काली सी परत आ जाती है जो ये नॉर्मल डिटर्जेंट से साफ नहीं होती है। और मार्केट में बहुत सारे पाउडर मिलते हैं, तरह तरह के पाउडर आते हैं, पीताम्बरी है और बहुत कुछ है, लेकिन ये बहुत महंगे होते हैं। लेकिन ऐसा ही पाउडर हम घर पे बना लिया जाए तो कितना अच्छा होगा, और ये सस्ता भी होगा और होम मेड भी होगा और जब चाहे हम बना सकते हैं। तो ये पाउडर हम घर पर आसानी से बना सकते हैं कुछ थोड़े से सामान से जो हमारे किचन में उपलब्ध होते हैं। देखते हैं कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हमें एक कटोरी का मेजरमेंट बना लेना है। एक कटोरी ले लिया है मैंने, छोटा सा लिया है मैंने, थोड़ा सा बना के दिखाऊंगी। डिटर्जेंट पाउडर जो अपने घर में यूज़ होता है। दूसरा मैंने लिया है आटा, जो गेहूं का आटा जो हम घर में रोटी बनाते हैं वही आटा है। और तीसरा लिया है मैंने नमक, ये भी हमें सेम मात्रा में लेना है। तीनों को बराबर बराबर मात्रा में लेना है। आप कोई भी बर्तन से आप मेजरमेंट बना सकते हैं। तो यह ले लिया डिटर्जेंट, आटा और नमक। ये लिया नींबू का रस, एक नींबू का रस ले लिया है। और ये लिया है कप में विनेगर, विनेगर मैंने लिया है 3/4, इस कटोरी का मेजरमेंट का 3/4 लिया है। और ये मैंने ले लिया है जो खाने का सोडा होता है, मीठा सोडा, एक चम्मच मीठा सोडा। ये वही सोडा, मीठा सोडा है जो हम घर में खाने में यूज़ करते हैं। थोड़ा सा हमें ले लेना है फूड कलर, फूड कलर जो कलर अपनी मर्जी है तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। ये मैं कलर देने के हिसाब से ये कलर यूज़ किया है, वैसे इसमें इतना कोई ज़रूरी नहीं है कलर का, कि ये बिल्कुल बाजार की जैसा पाउडर लगे इसलिए मैंने कलर यूज़ किया है। देखिए ये सारे हमको लेने हैं, ये हमको इकट्ठा करके रखा है, मैंने बताया है आपको ये सारा सामान हमको लेना है। अब लेना है हमें एक बाउल के अंदर जो ये तीनों जो है, नमक है, डिटर्जेंट पाउडर है, आटा है, इन तीनों को इसी बाउल के अंदर डालना है। तो देखिए मैंने ये नमक डाल दिया है और ये है आटा, गेहूं का आटा, और ये तीसरा जो डाला है मैंने डिटर्जेंट पाउडर, इन तीनों को डालना है। और इन तीनों को डालने के बाद में इन्हें हमको चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये तीनों मिलकर बिल्कुल एक जैसा पाउडर बन जाए और तीनों अच्छे से मिल जाए, इस तरह से हमें बिल्कुल इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये जो पाउडर बनकर हमारा तैयार होगा, ये अपने हमारे तांबे के जो बर्तन होते हैं उनको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाता है। और हम इसको पाउडर को बनाकर इकट्ठा बना सकते हैं, जिससे हम जब चाहें इसको यूज़ भी कर सकते हैं। और यह अब मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा नींबू का रस, जो एक नींबू का रस है वो इसके लिए काफ़ी है। और जो ये रिएक्शन हो रहा है इसी से हमारा बर्तन साफ़ होगा, और ये हमारी बर्तन साफ़ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। अब ये है, अब हमें इसको मिक्स कर लेना है और इसे जो नींबू का रस है उसको थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये बिल्कुल अच्छे तरह से मिक्स हो जाएगा। और ये जो मिक्स होने के बाद में ये बिल्कुल ही पाउडर के जैसा ही बन जाएगा और ये गीला भी नहीं रहेगा। और इसमें हमें अब विनेगर भी इसमें ऐड करना है, जो हम विनेगर भी इसमें ऐड कर देंगे। और विनेगर, ये मैंने विनेगर भी इसमें ही डाल दिया है। अब देखिए विनेगर डालने के बाद में भी वो ये रिएक्शन हुआ है, क्योंकि ये इसमें खटाई होती है। तो ये नीम वो जो अपने बर्तन साफ़ करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। और इससे हम पीतल के बर्तन हो, तांबे के बर्तन हो, वो हम अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। और हम इसके देखिए बिल्कुल ये कलर भी इसका चेंज सा हो गया थोड़ा सा, और ये अच्छा सा पाउडर बनकर तैयार हो गया है। और इसमें हम कलर भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने लाल कलर डाल दिया है, जैसे लाल कलर डालने से ये थोड़ा गुलाबी, ये पिंक कलर का, जैसे ये होता है बाज़ार में मिलने वाले पीताम्बरी टाइप के पाउडर होते हैं, ये उस टाइप का पाउडर बन के तैयार हो चुका है। और देख लीजिए ये थोड़ी देर में इस बर्तन में ही रखें और ये थोड़ा सूखा सूखा हो जाए तो इसको हम डिब्बे में भर सकते हैं।
और हम चाहें तो इसको पेस्ट भी बना सकते हैं। इसमें 1 कप पानी ऐड कर दीजिए और ये पेस्ट बन जाएगा। स्क्रब की सहायता से अच्छे से बर्तन साफ़ कीजिए और बर्तन को चमकाइए और ये बन गया है ना घर पर होममेड पीतांबरी, बिल्कुल पीतांबरी के जैसा ही लग रहा है। और इससे हम अच्छे से बर्तन जो हमारे बर्तन को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और इसमें पानी जब भर के और जो पानी हम पियेंगे वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक नहीं होगा और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, हमारे बर्तन बिल्कुल को चमकदार बने रहेंगे। और देखते हैं कैसे बनाते हैं। इसी पाउडर से हमें आपको एक ये तांबे का एक छोटा सा घड़ा है उसको मैं साफ करके दिखाने वाली हूँ। और देखिए बहुत ही पुराना सा लग रहा है और इसमें इसको देखिए कैसे साफ करती हूँ। ये ले लिया है मैंने पाउडर, एक बर्तन में निकाल के रख लीजिए जितना आपको यूज़ करना है। उसी पाउडर से पाउडर को हम स्क्रब की सहायता से बर्तन पर लगा लेंगे और लगाकर पूरे अच्छे से मल मल के लगा देंगे इस पर। और लगाने के बाद में ये बर्तन बिल्कुल नया सा चमक उठेगा। देखिए मैं इसको लगा के रख ली हूँ और जिसमें सर्फ वगैरह ये सब कुछ डाला है उससे ये झाग भी बन रहा है इसका। तो ऐसे करके हमने इसे अच्छे से और मैंने सारे बर्तन पर ये पाउडर लगा कर रख दिया है। अब देखिए मैंने इसको 15 से 20 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दिया था और इसका रिएक्शन देखिए बिल्कुल ये चमक सा उठा है। और देखिए अब जो ये है पाउडर है इसको सारे बर्तन पर वापस से एक बार लगा कर धोकर देखिए ये दिख रहा है साफ हो गया है बिल्कुल और चमक गया है। अब मैं इसे पानी से धो के दिखा रही हूँ आपको ये कैसा साफ़ हुआ है, बिल्कुल साफ हो गया है। पहले काला सा लग रहा था बिल्कुल चमक सा गया है। इसी तरीके से हमें हमारे बर्तन को साफ कर लेना है और बिल्कुल अच्छे से धो लेना है। तो देखिए ये हो गया है बिल्कुल नया सा और चमक सा गया है और इस पाउडर को हमारे बर्तन पर कोई नुकसान नहीं होता है और बिल्कुल अच्छे से चमक जाते हैं। और जब चाहें हम अपने बर्तन को साफ़ कर सकते हैं। पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।